फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक वीडियो लेके आई हूँ, जो वाली जो मैंने पहले भी डाली हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया उस वीडियो को, तो आप लोगों ने बहुत पसंद करी वो वीडियो, तो मैंने सोचा चलिए फिर से मैं आपको बताती हूँ दोबारा से। कि वैसे तो वही प्रोसेसर हर बार वही करने का, लेकिन सब लोग नए नए मेरे सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो उनको नहीं पता होता, तो वो वाला लिंक भी उस वीडियो को मैं डाल दूँगी इसमें, और ये भी मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो है रात भर मैंने इनको भिगो लिया था, एक भगोना लेके पानी में डिप करके रखना है, और जो उनके ऊपर का जो खोखले होते हैं उनको निकाल देना है ताकि वो फूल जाएंगे, क्योंकि वो टाइम लगते हैं फूलने में। और ये मिट्टी का डोना लेके आते हैं, मिट्टी का डोंगा जो है इसको भी भिगो के रख देते हैं, जितना है पानी सोख लेगा, और इसको फिर पलट के रख देंगे ताकि ये सूख जाए। और जो ये हम डाल रहे हैं ना, ये आप रेत में भी बो सकते हो, मिट्टी में भी बो सकते हो, और ये मिट्टी और रेत दोनों मिक्स है, क्योंकि ये आजकल पैकेट ऐसे आने लगे हैं, तो ये हमें ऐसे ही मिला इस बार, तो हम ये लेके आ गए। तो आप किसी चीज़ में भी बना सकते हो, बस ये होता है माता रानी के ऊपर होता है कब हमारे जो अच्छे होते हैं कब नहीं होते, वो सब उन्हीं की कृपा होती है। बस ये हम लोग अपने हर तरीके से भी ये बो सकते हैं, इस तरीके से बोएंगे तो अच्छे से हो, हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से हमारे जो अच्छे से उगे। तो ये है कि मिट्टी और ये रेत को मिक्स करके पहले लेयर नीचे लगा ली थी, और फिर उसके बाद जौ की लेयर लगाई थी, ऐसे करके हमने सारे जो इसमें जो डाले, और उसके बाद में हल्की हल्की फिर मिट्टी डाली, फिर हल्के के जो डाले, फिर मिट्टी डाली, ऐसे कर करके हमने इसमें जो डाले थे, और फिर इसके बाद ये मिट्टी और रेत का जो मिक्स वो है वो इसमें हमने डाल दिया था ऐसे। बस इसको फिर उसके बाद अच्छे से लेयर लगा दी थी। तो और इसमें आपको ध्यान देना है कि जैसे ज़्यादा गर्मी होती है जब तो आप पानी इसमें दे सकते हो, ज़्यादा देना वो भी 2 दिन तक 3 दिन तक तो आप हल्की छींटे मारना, क्योंकि जो ऊपर आ जाते पानी डालने से। और उसके बाद में गर्मी ज़्यादा हो तो सबको सुबह शाम देना है, जैसे मार्च के टाइम भी नवरात्रे आते हैं, अगर इस टाइम के नवरात्रे हैं, ये जो सर्दियों वाले नवरात्रे बोले जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो इसमें आपको पानी कम देना है, क्योंकि हमारे जो को इतना पानी की जरूरत नहीं होती है। बस ये है कि 2 दिन 3 दिन आप इसमें हल्के छींटे ज़रूर मारना, और गंगा जल ज़रूर डालना जल में जो आप डालोगे, तो ऐसे करके आप इसमें डेली जल डालना, और 2-3 दिन तक इसको प्लेट से ढक के रखना, ताकि इसमें जब हल्के हल्के जो आने लगे ना, तब उसके बाद आप प्लेट को हटा देना, तो फिर ये है कि उनको हवा क्रॉसिंग का टाइम मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने ये जो फिर से बनाए थे और फिर से उगाए हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मेरी जो पहली वीडियो है उसको अभी मैं लिंक इसमें डाल दूँगी, आप लोग वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसलिए मैं इसी अर्ली मॉर्निंग इसको मैं अभी डाल रही हूँ, आज ही डाल रही हूँ अभी, क्योंकि आज 2 टाइमेंगे, कल स्थापना के मॉर्निंग में था जल्दी जो हम कर चुके हैं 1-12 बजे से, तो वो टाइम मैं सोचा आप लोग जिन्होंने नहीं किया तो उसमें देख सकते हैं, जिसको नहीं पता तो थोड़ा आइडिया हो जाता है, क्योंकि हमें भी ऐसी आइडिया हुआ है देखने से करने से तभी एक्सपीरियंस होता है। तो चलिए इस तरह से जो बनाते हैं और देखिए उसके बाद कितने अच्छे जो हमारे आते हैं। तो वो वाला क्लिप मैंने जो लास्ट वाले में मैंने बना के रखे थे तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो देखो इस तरह से जो हो जाते हैं तो बहुत अच्छे हरे भरे होते हैं। तो आप लोग इस प्रोसेस से करेंगे तो जो ज़रूर होंगे, तो आप बताना वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल बटन जरूर दबाना। तो चलिए बाय गाइस, और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, जय माता दी।